तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग। और VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इनपुट बॉक्स को हैंडल करते हैं। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इनपुट बॉक्स ऑटोमेशन के बारे में। तो फंक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट बॉक्स के बारे में। तो इससे पहले कई बार आपने देखा होगा मैंने इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल किया है, बट एक्चुअली उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या चीजें हैं वो हम आपको अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं सब्जेक्ट डालता हूँ आज, तो जनरली आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि dim r as a variant या जो भी वेरिएबल आप चाहते हैं डिक्लेयर किया और r इक्वल टू कर दिया इनपुट बॉक्स और इसके अंदर आपने डाल दिया कि प्लीज एंटर जो भी आप डालना चाहते हैं। तो जनरली हमने इतना ही किया था अभी तक की क्लासेस में, क्या सर? अब चलिए इसमें आगे चीजें करते हैं। सबसे पहले कि यहां जो ऊपर जो मैसेज आता है प्लीज एंटर, क्या इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं? ब्रेक का मतलब कि मेरे पास एक डेटा है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चंस है और यहाँ पे हमें उसका आंसर देना है। ओके, क्या देना है? आंसर देना है। ध्यान से देखिएगा सर, क्योंकि इसके इस प्रोजेक्ट के बाद इसमें आप लोगों को एडिशन करना होगा, क्योंकि इसको मैं अधूरा करूंगा पूरा आपको। तो कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन हमने कर दिया यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज VVA फाइल एक्सटेंशन। तो इसको हमें करना है, तो इसमें अगर हम यहां पे लिंक करना चाहे तो हम लिंक कर सकते हैं, क्या रेंज V2 रेंज और यहां पे हमने बोल दिया कि रेंज A1 A1 नहीं है, B2 है ना, B2 सॉरी मैं गलत कर दिया, यहां दो बार रेंज लिख दिया B2 dot। यहां पे आता है टाइटल, तो टाइटल में हमने दे दिया क्यूई, क्यू के साथ हमने एंड कर दिया रेंज A1 और हमने इनपुट बॉक्स को क्लोज कर दिया। और यहां हम प्ले करते हैं, आप देखिए व्हाट इज द VVA फाइल एक्सटेंशन। तो इसमें आपने क्या देखा निरंतर जी, आप लेट हो गए। इसमें हमने देखा कि जो हमारा टाइटल है क्वेश्चन नंबर A2 करना चाहिए, तो आपने देखा यहां पे मैसेज देखा, यहां पे आपने टाइटल, ठीक है। अब मुझे इसमें ऑप्शंस भी सिलेक्ट करना है, यहां पे ऑप्शंस A, B, C एंड D, चार ऑप्शंस।
और फिर यहाँ पे आंसर देना। राइट सर, तो यहाँ पे डॉट एक्सएलएस डॉट xls a dot xls x dot xls अभी जो फीचर है मुझे शो करना, मतलब कि मुझे दो क्वेश्चंस को यहां शो करना, तो मैं यहां पे मैं दो लाइन चाहिए, तो दो लाइन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे स्ट्रिंग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पहली लाइन हमारा है m इक्वल टू यहां, अब इसी में दूसरा लाइन देना है, यहां पे m कर देता हूं, और यहां n इक्वल टू साथ हमने कॉन्सेट कर दिया कॉमा, नहीं यहाँ पे देना पड़ेगा हमें वीवी न्यू लाइन, और क्या हो जाएगा एन परसेंट में, एंटर बिलो ऑप्शन। इससे क्या होगा, जब प्ले होगा तो प्ले होते ही देखिए आ गया ना, प्लीज एंटर बिलो ऑप्शंस, दो लाइन जुड़ के आ गया, अगर ऐसा नहीं होता तो इसी में आगे तक दिखता क्या सर, तो हमने यहां पे ब्रेक कर दिया। देखिए क्या है कि थोड़ा सा और नीचे ब्रेक मुझे चाहिए, थोड़ा सा नीचे और चाहिए, तो इसमें एक बार और मैं कर देता हूं वीवी आप देखेंगे कि इसमें आपको दो लाइन है, बस नीचे आ फिर यहां पे ऑप्शंस देने आने हैं, m इक्वल टू m के साथ कंसीडर हो गया, कॉपी कर लेता हूं, अच्छा दो लाइन हो जाएगा, और n परसेंट में हमने दे दिया a ऑप्शन a, स्पेस भी देना है, और इसमें एन परसेंट हो जाएगा रेंज कौन सा है ए, सी वन सी टू डी टू ई टू एफ टू है सी सी टू एन इक्वल टू एन के साथ कंसीडर होगा टैब, क्योंकि अब मुझे एक ही लाइन में चाहिए, लाइन नहीं चाहिए टैब, थोड़ा अलग चाहिए टैब, रेंज इस रेंज में हमने कर दिया ए डी टू डी टू डॉट वैल, अब इसी को कॉपी करते हैं नीचे, डी टू की जगह पे हमारा हो जाएगा ई टू, रिप्लेस किया ई टू की जगह पे हो जाएगा एफ टू, सी टू डी टू एफ टू, बट ए एबीसीडी लगाना तो हम भूल ही गए ना, ये हमारा हो जाएगा डी, ये हमारा हो जाएगा सी, और ए हमारा हो जाएगा डी। अब देखिए कैसा है, ठीक है सर, लेकिन इसमें क्या है कि सी ए ऑप्शन सटा 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 पूरा ए आ रहा है, अच्छा वी वी टैब जो है स्पेलिंग मिस्टेक था सर, टी ए बी होगा, आगे आप सही सही, अब मान लीजिए इस पे जो हम वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए हमने ए डाला, तो ए जो है हमारा, या मान लीजिए हमने डी डाला,
डी जो है आंसर जी कॉलम में आ जाना चाहिए। यहां रेंज जी टू वैल्यू इक्वल टू, हमने प्ले किया और यहां पे आपने डी डाला, आप देखेंगे डी यहां पर। इसलिए हम बाद में आते हैं अभी, तो आपने एक चीज देखा कि हम इनपुट बॉक्स के अंदर में ये जो मैसेज होता है इस मैसेज को अपने हिसाब से ऑटोमेशन कर सकते हैं, टाइटल को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज और आता है डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे मैं चाहते हो कि कुछ ना कुछ तो डाले तो डिफॉल्ट कुछ रहे, तो डिफॉल्ट वैल्यू में हमने दे दिया एन ए, मतलब कि स्लैश ए। अगर कुछ नहीं डालना चाहता है तो बाय डिफॉल्ट उसका एन ए आ जाए, तो यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू। अब एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे ऑप्शंस लेते हैं ना, जैसे कि कोई फॉर्मूला ही ले लीजिए मान लीजिए, तो ये जो यहाँ पे देखिए इनपुट बॉक्स की तरह है, क्लिक करते हैं हम यहाँ पे एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या इनपुट बॉक्स में हम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं? मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास एक हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो एरिया सिलेक्ट करेंगे उसी एरिया को कैलकुलेट करके देगा, या उस पर पिवट लगाएगा, या उसको कॉपी पेस्ट करेगा, जो भी हम करना चाहते हैं उस सिलेक्टेड एरिया के बिहाफ पे ही करना चाहते हैं, ठीक है जी। कैसे करें तो हम यहाँ पे उसके लिए भी आपको मैथ बताते हैं। हम यहाँ पे करेंगे dim r as a range और फिर यहां करता हूं set r equal to application dot input box। ध्यान रखिएगा जब आपको टाइप चेंज करना हो तो एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स होता है। उसके बाद यहां पे प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि प्लीज सेलेक्ट एरिया, यहां पे टाइटल में देता हूं रेंज, तो मेरा टाइटल ये हो। डिफॉल्ट वैल्यू में हमने बोल दिया कि सिलेक्शन डॉट एड्रेस, जो सिलेक्टेड उसका एड्रेस दिखे। लेफ्ट राइट मतलब कि आप कितना पिक्सल, आपको कितना पिक्सल लेफ्ट शो करवाना चाहते हैं उसके लिए होता है। इसमें मैं अभी आता हूं L5, यहां पे टाइप में 8 हमने दे दिया, और फिर हम यहां पे करते हैं MSG बॉक्स एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम के अंदर में हमने बोल दिया आर। अब मैं इसको रन करूं, देखा जी हाँ सर, इसे एरिया को सिलेक्ट कर लिया और मैक्रोस और इन सेकेंड मैक्रो को रन करता हूं, यहां पे आ गया। मैं जो भी एरिया सिलेक्ट करूंगा वो एरिया यहां पे आ गया। जैसे ओके किया तो यहाँ पे देखिए उसका सम कैलकुलेट करके दे दिया। तो इसमें हमने 8 ही क्यों डाला, तो क्या होता है टाइप में नंबर है, 1 फॉर्मूला, 2 टेक्स्ट, 3 लॉजिक, 4 इस तरह से उसका सीक्वेंस है, उसका 8 नंबर जो है वो आपका क्या है रेंज के लिए है। अब इसके लिस्ट आपको जो मैंने बुक भेजी थी उस बुक में आप जाएंगे यूजर फॉर्म में, यूजर फॉर्म से पहले वाला चैप्टर है डायलॉग बॉक्स वाला, उसमें देखेंगे तो समझना। तो इसमें कोई इस एग्जांपल से इसमें कोई डाउट है? अमित जी, अतीश जी, जितेंद्र जी या नीरज जी, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सर? कोई डाउट तो नहीं रहा है? अब आपको इसमें क्या करना है, मैं ये कोड आप लोगों को भेज देता हूँ, फाइल तो आप खुद बना लेंगे। आपको इसी तरह का एक अभी फाइल अभी बनाना है, बाद में नहीं, अभी इस तरह का एक क्वेश्चन आंसरिंग करना है।
मतलब आपको एक ऑटोमेटेड क्वेश्चन आंसर शीट तैयार करना है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कोई बना लीजिए, जो 10 क्वेश्चन आपके हैं वो बना लीजिए। क्वेश्चन आएंगे, उसके ऑप्शन आएंगे और उसका आंसर वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट हो। ओके, मनायती जी, अमित जी, और दूसरा चीज, अब इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी कि जब रन होगा माइक्रो हमारा, तो जरूरी नहीं है कि पर्सन यहाँ पे एबीसीडी लिखे, वो लिख देगा डॉट एक्सेलेंस एक्स और ओके कर और आंसर में आपको यहाँ पे डॉट एक्सेलेंस एक्स आ गया। ये गलत है ना क्या सर? हाँ जी। तो आपको ये वैलिडेशन लगाना है कि एबीसीडी के अलावा कोई और इनपुट बॉक्स में एंट्री ही ना हो। इसके अलावा कुछ अगर और डालता है तो इनपुट बॉक्स एक्सेप्ट ही ना करे, एरर दे दे और वापस जो है इनपुट बॉक्स अपीयर हो जाए, राइट। दूसरा, जब इनपुट बॉक्स सारे क्वेश्चन का आंसर डाल देगा तो मैसेज बॉक्स में उसका रिजल्ट भी उसी समय शो करना है कि कितने आउट ऑफ द कितने क्वेश्चन को सही हुआ। और आगे और करना चाहे तो उसमें ये भी दिखा दीजिए कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन ये करना जरूरी नहीं है। ओके सर, ये हो जाएगा आप लोगों से। तो आज ब्लेजर लगाने की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको मैं भेज देता हूं।